मुहासे एक बहुत ही आम समस्या है त्वचा की, और ज्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि लोग DIYs और बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर मुहासों को दूर करने के लिए कई सारी चीजें अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, जिसके चलते वह आपके चेहरे के मुहासे कम होने की जगह और बढ़ने लगते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट लगाना या फिर ऑयली फूड खाने से मुहासे और हो जाना। अब प्रश्न ये है कि कितनी बातें इसमें से सच है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रोशनी मिश्रा और आज आपके साथ मैं बात करूंगी मिथ्स जो आपके एक्ने के साथ रिलेटेड हैं, एंड इनमें से हम बहुत सारे मिथ्स को आज बर्स्ट करेंगे। मिथ नंबर 1, ऑयली फूड खाने की वजह से पिंपल्स और चेहरे पर बढ़ सकते हैं। फैक्ट, ऑयली फूड खाने की वजह से पिंपल्स हमारे चेहरे पर बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ में हमें ये लगता है कि शायद से हमारी स्किन और ऑयली हो सकती है। बट दरअसल जो आलू, मैदा, चीनी और साथ ही साथ में जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सारी ही चीज़ों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आपके फेस पर एक्ने बढ़ सकते हैं। तो ऑयली पदार्थ ना खाते हुए आप कोशिश कीजिए कि आप इन सारे पदार्थों को कम कीजिए, जिसकी वजह से एक्ने एक्चुअली नहीं होते हैं। मुहासे बस टीनेजर्स में पाए जाते हैं। फैक्ट, मुहासे जो होते हैं आमतौर पर टीनेजर्स में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, बट ये एडल्ट्स में भी पाए जाते हैं। एडल्ट्स में यूजली एक्ने दो प्रकार के होते हैं, एक जो लगातार आते हैं और एक जो काफ़ी लंबे समय के बाद शुरू होते हैं। दोनों में ही आमतौर पर ज़्यादातर ये पाया गया है कि एडल्ट्स में देर से एक्ने आते हैं, जैसे कि आमतौर पर 23 से 25 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्ने देखने मिलते हैं, और इनके लिए काफ़ी सारे रीजन जिम्मेदार हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। मिथ नंबर 3, एक्ने और मुहासों को अपने हाथों से फोड़ना। फैक्ट, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि अपने मुहासों को फोड़ते हुए या फिर लोगों से सुनते हुए कि मुहासों को अच्छे से अगर हम एक्सट्रैक्ट कर दें तो आपके पिंपल्स जल्दी कम हो जाएंगे, बट इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जब भी आप अपने हाथों को अपने मुहासों पे टच करते हो, इसकी वजह से आपके चेहरे पे ढेर सारे इन्फेक्शंस ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। साथ ही साथ में आपकी जो एक्ने रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूजन उसमें देखने मिल सकती है, और उसी के चलते काफ़ी सारे इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली अगर आप उसे फोड़ देते हो तो एंड में आपके चेहरे पर काफ़ी एक्ने मार्क्स भी रह जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके चेहरे को ख़राब दिखाता है और इसे मिटाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। मिथ नंबर 4, स्ट्रेस या तनाव की वजह से एक्ने और बढ़ सकते हैं। फैक्ट, ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। जब भी आप स्ट्रेस या फिर तनाव लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके चलते आपके फेस पे काफ़ी एक्ने आ सकते हैं। इसको कम करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन, योगा या फिर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस और तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा एंड इससे आपके एक्ने भी कम हो जाएंगे। मिथ नंबर 5, ऑयली स्किन वाले लोगों को ही बस मुहासे होते हैं। फैक्ट, हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सच है कि ऑयली स्किन के एक्ने काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट अगर आपकी स्किन दूसरी टाइप है जैसे कि ड्राई या फिर कॉम्बिनेशन, तो भी आपको एक्ने होने के चांसेस पूरी तरह से हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर दूसरे स्किन टाइप्स में भी ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि बस ऑयली स्किन वाले लोगों को ही एक्ने होते हैं। यूजली एक्ने कोई भी स्किन टाइप्स को ज़रूर हो सकते हैं। मिथ नंबर 6, मेकअप या मेकअप प्रोडक्ट से एक्ने होता है। फैक्ट, ये बात काफ़ी हद तक सच है। अगर आप अच्छा मेकअप ना यूज़ करें, जैसे कि बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड फाउंडेशन अगर आप यूज़ करोगे, तो इससे आपके पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, जिसके चलते आपके फेस पे एक्ने आ सकते हैं। बट अगर आप इसे कम करना चाहते हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो वो आपके स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग हो, साथ ही साथ में वो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, एंड आप प्लीज़ सोने के पहले अपने मेकअप को रिमूव करना ना भूलिए। इससे आपकी स्किन जो रहती है वो अच्छे से एक्सफोलिएटेड रहेगी और आपके चेहरे पे एक्ने भी कम रहेंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।